धोनी की घुटने की सर्जरी हुई। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आज सुबह हुआ ऑपरेशन। आईपीएल के पहले मैच में लगी थी चोट। आईपीएल के दौरान चोटिल हुए महेंद्र सिंह धोनी की गुरुवार को घुटने की सर्जरी की गई। सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई है। पांचवी बार चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब दिलाने वाले धोनी को टूर्नामेंट के पहले ही मैच में चोट लग गई थी। सीएसके सीईओ काशी विश्वनाथ ने धोनी को अगले सीजन में मिनी ऑक्शन से रिलीव किए जाने पर कहा, सच कहूं तो हमने अभी नहीं सोचा है, यह धोनी पर निर्भर करता है कि वह आगे क्या फैसला लेंगे। धोनी गुजरात के खिलाफ आईपीएल के पहले ही मैच में चोटिल हो गए थे। गुजरात की पारी के 19वें ओवर में दीपक चाहर की गेंद को रोकने के लिए धोनी ने डाइव लगाई, जिसके बाद धोनी कराहते नजर आए। उन्होंने तुरंत ही अपना पैर पकड़ लिया था, वह किसी तरह खड़े हो गए। कुछ देर धोनी परेशान नजर आए, उसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग जारी रखी। फ्लेमिंग ने कहा कि टूर्नामेंट से पहले धोनी के घुटने में दर्द हो रहा था, उसके बाद धोनी बाद के मैचों में बाएं घुटने पर पट्टी बांधकर खेलते नजर आए थे। यही नहीं, वह घुटने की चोट की वजह से बल्लेबाजी करने में भी अधिकांश मैचों में निचले क्रम पर ही आए। पिच पर भी वह दौड़कर रन लेने के बजाय बड़े शॉट ज्यादा खेलते ज्यादा नजर आए। धोनी ने भी आईपीएल सीजन के बीच में कहा था कि वह ज्यादा दौड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वह निचले क्रम पर आकर बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। धोनी से पहले सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की भी घुटने की सर्जरी हो चुकी है। सुरेश रैना ने साल 2019 में 32 साल की उम्र में घुटने की सर्जरी कराई थी। रैना को घुटने में 2007 से ही समस्या थी। वहीं पिछले साल सितंबर में रविंद्र जडेजा ने भी घुटने की सर्जरी कराई थी। पिछले साल एशिया कप के दौरान हांगकांग के खिलाफ मैच में उनके घुटने में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह T20 वर्ल्ड कप सहित कई टूर्नामेंट से टीम से बाहर रहे थे। वहीं ऋषभ पंत को भी कार एक्सीडेंट के बाद घुटने की सर्जरी करानी पड़ी।